मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर ने 4 अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया है। देने के साथ ही 12 अस्पतालों को बंद करने को लेकर नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय अधिकारी ऋषिराज सिंह सेंगर के मुताबिक जिन अस्पतालों में ईटीपी बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण यानी कि डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है और जिन अस्पतालों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति भी नहीं ली है, ऐसे 12 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में इन अस्पतालों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, बल्कि किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को नोटिस दिए गए थे लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ना ही संतोषजनक जवाब दिया और ना ही व्यवस्था में सुधार किया। जब आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं और जब आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम सुधार भी नहीं करेंगे तो आपके यहाँ तो ताला लगना ही चाहिए। इस वजह से विभाग की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। चार हॉस्पिटल को हमने बंद करने के निर्देश दिए हैं। ये हॉस्पिटलों को पहले नोटिस दिए जा चुके थे, इनके जवाब आए, जवाबों का परीक्षण किया, फिर से इंस्पेक्शन कराया और पाया गया इनके जवाब संतोषजनक नहीं है, उन्होंने गलत जानकारी दी थी। हमने इन पर कार्रवाई करते हुए इनको बंद कर दिया।